आज की कहानी है सबसे अधिक खतरनाक जानवर। यज्ञदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी पत्नी उसे प्रतिदिन काम की तलाश में जाने को कहती थी। एक दिन ब्राह्मण घूमता हुआ जंगल में चला गया। बहुत समय खोज करने के बाद एक कुएं के पास पहुंचा जिसमें जंगली घास ऊपर तक उग आई थी। गहराई में झांकने पर उसने देखा कि कुएं में पानी नहीं था, बल्कि चार प्राणी थे। उनमें से तीन जानवर थे, एक भयंकर बाघ, एक शरारती बंदर और एक चिकना काला सांप। चौथा एक आदमी था। वे चिल्ला चिल्ला कर उससे अपनी रक्षा करने के लिए कहने लगे। बिना हिचकिचाहट ब्राह्मण ने कुएं में एक मजबूत लता फेंकी और आदमी को ठीक ठाक बाहर खींच लिया। आदमी ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, बदले में मुझसे किसी भी तरह की मदद मांगने में शर्म नहीं करना। मेरा नाम भृगज है, मैं पास के गांव में सुनार हूं। अगर तुम कभी सोने के गहने खरीदना या बेचना चाहो तो मेरे पास आ जाना। ऐसा कहकर वह अपने रास्ते चला गया। अब बाघ ने अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण से प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा, अरे मैं तुम्हें बाहर निकालने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? तुम एक खतरनाक मनुष्य को खाने वाले जीव हो और मुझे फौरन अपना भोजन बना लोगे। परंतु बाघ ने ब्राह्मण को वचन दिया कि वह किसी प्रकार भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए ब्राह्मण ने उसे बाहर खींच लिया। उसने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और यह कहता हुआ अपने रास्ते चला गया कि मैं पहाड़ पर रहता हूं, तुम शीघ्र ही मुझसे मिलने आना। अब बंदर की बारी आई। ब्राह्मण ने उससे कहा, मैं सोचता हूं कि तुम मुझे अपने पंजों से नाखून मारकर जख्मी कर दोगे या शरारत करके मुझे ही कुएं में धकेल दोगे। अरे नहीं श्रीमान, बंदर ने अचरज प्रकट करते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गहरी सांस भरते हुए ब्राह्मण ने उसे भी बाहर खींच लिया। बंदर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, मैं झील के पास पेड़ पर रहता हूं, अगर तुम्हें कभी भूख महसूस हो तो मेरे पास आना। और तब वह उछलता हुआ जंगल को चला गया। यह सोचते हुए कि सांप उसे काट सकता है, ब्राह्मण ने डर से कांपते हुए सांप को भी बाहर खींच लिया। बाहर आकर सांप ने कहा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाता हूं जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। यदि तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मुझे याद करना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये कहकर सांप भी वहां से चला गया। कुछ दिन बाद भूख लगने पर ब्राह्मण बंदर से मिलने गया। बंदर ने उसे बहुत से जायकेदार फल खाने को दिए। बंदर को धन्यवाद देकर वह बाघ से मिलने चला गया। उसे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उसे देने के लिए बाघ के पास एक उपहार था, सोने के गहने। बाघ ने बताया कि एक राजकुमार अपने घोड़े से गिरकर वहां मर गया था, ये उसके गहने थे। ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया। उसने उन गहनों को सुनार के पास बेचने का निश्चय किया, इसलिए वह उसकी दुकान पर पहुंचा। लालची सुनार ने ब्राह्मण से इंतजार करने को कहा और उन रत्न जड़ित गहनों को लेकर बेचने के लिए राजा के पास पहुंचा। रत्न जड़ित इन गहनों को देखकर राजा ने गरज कर कहा, ये तो मेरे बेटे के गहने हैं, अरे सुनार तुमने उसे मार डाला, ओ पहरेदार इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी उस कायर और भ्रष्ट सुनार ने कहा, महाराज ये गहने मुझे एक ब्राह्मण से मिले हैं जो मेरे घर पर मौजूद है, हो सकता है कि उसने आपके बेटे को मारा हो। इसलिए ब्राह्मण को पकड़कर
राजा ने कैद कर लिया। वह बहुत चीखा चिल्लाया। अपनी मुसीबत के समय उसने सांप को याद किया। क्षण भर में ही सांप उसके सामने उपस्थित हो गया। उसने ब्राह्मण को की दुर्भाग्य की कहानी सुनी और कहा, मेरे पास तुम्हें बचाने की एक तरकीब है। मैं रानी को काट लूंगा और तुम्हारे सिवा उसे कोई भी अच्छा नहीं कर सकेगा। तुम्हारे हाथ के छूते ही वह अच्छी हो जाएगी। उस रात सांप सरकता हुआ रानी के कमरे में पहुंचा और उसने उसे काट लिया। सारे महल में शोर मच गया। दूर दूर से वैद्यों को बुलाया गया, परंतु कोई भी रानी का इलाज नहीं कर सका और राजा दुखी होकर रोने लगा। तब ब्राह्मण ने जेल के पहरेदारों से कहा कि वह रानी की मदद कर सकता है। उसी समय उसे रानी के पास पहुंचाया गया। ज्यों ही ब्राह्मण ने उसे छुआ, वैसे ही सारा जहर बहकर बाहर निकल गया और रानी ने अपनी आंखें खोल दी। महल में खुशियां छा गईं। राजा ने दिल से ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और ब्राह्मण को गहने कैसे मिले इस सच्चाई को ध्यान से सुना। उसने सुनार को सजा दी और ब्राह्मण को 1000 गांव का मालिक बना दिया। वह अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक भयंकर जानवर ने ब्राह्मण को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपितु सुनार उसके लिए सबसे अधिक खतरनाक जीव बन गया। तो हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।